गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट का कीड़ा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का मार्केट क्लोज हो चुका है। आप लोगों के लिए अनदर वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ विद टॉप थ्री स्टॉक के साथ। हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे स्टॉक मैंने सेलेक्ट किए हैं। काफ़ी अच्छे लेवल पर मैंने उनको सेलेक्ट किया है कि किस लेवल पर वो बुलिश रहेंगे और किस लेवल पर वो बेरिश रहेंगे। तो हर स्टॉक को आपको डीपली और सिंपल लैंग्वेज में एनालाइज करके बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सके और प्रॉफिट अर्न कर सके। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट कीड़ा को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन में जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको नए नए स्टॉक के लेवल देता रहता हूँ। बाई चांस क्या होता है, कोई स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो मैं उसको फिर से अपडेट करके देता हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, थर्सडे के लिए जो मैंने स्टॉक दिया था ACC, ग्रासिम एंड NITEC, तो इन तीन स्टॉक ने किस तरह से परफॉर्म किया है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों NITEC। तो NITEC को मैंने जो है आपको बाय के लिए दिया था दोस्तों, जैसे मार्केट ओपन हुआ तो मैंने इसको बाय के लिए दिया था। 1875 से इसको आपको बाय करना था और इसने जो हाई बनाया दोस्तों 1950, यानी कि 75 प्लस पॉइंट का प्रॉफिट देकर गया है दोस्तों। इंट्राडे में 75 प्लस एक स्टॉक इंट्राडे। तो दोस्तों, ये होता है पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप भी इस पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा नंबर दिया हुआ है, आप चाहे तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सेकंड जो स्टॉक मैंने दिया था दोस्तों, वो दिया था मैंने ACC। ACC को जो है आपको बाय के लिए दिया था मैंने, 1414 से इसको बाय करना था और इसने जो हाई बनाया दोस्तों 1450, यानी कि इसने भी जो है 35 प्लस पॉइंट का प्रॉफिट देकर गया है दोस्तों बाइंग साइड में। तीसरा जो स्टॉक मैंने दिया था दोस्तों, वो मैंने आपको जो है ग्रासिम को जो है मैंने आपको बाय के लिए दिया था, लेकिन पहले जैसे ओपन हुआ तो इसने जो है डाउन साइड जो है अपना मोमेंट लिया और मैंने इसको सेल के लिए दिया था। 613 से इसको सेल करना था और जो है इसने जो लो बनाया दोस्तों 601 नियर अबाउट, इसने जो 12 प्लस पॉइंट का जो है प्रॉफिट देकर गया है सेल साइड। और बाइंग साइड भी जो मैंने इसको बाय के लिए दिया था 621 से इसको आपको बाय करना था और इसने जो हाई बनाया 625, तो बाइंग साइड भी इसने जो है 4 पॉइंट का प्रॉफिट देकर गया दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे टॉप 3 स्टॉक। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से ट्रेड किया होगा और प्रॉफिट किया होगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, कल यानी फ्राइडे के लिए कौन कौन से स्टॉक्स है जिसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो स्टॉक है वो है रिलायंस। जबरदस्त स्टॉक है दोस्तों, आजकल तो जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है ये। तो रिलायंस को आपको बाय करना है 2121 से, टारगेट रहेगा 2125, 2130, 2135। अगर ये डाउन साइड जाता है तो उसको आपको सेल करना है 2099 से, टारगेट रहेगा 2095, 2090, 2085। सेकंड जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है दोस्तों, वो है PVR। PVR को आपको बाय करना है 1089 पर, टारगेट रहेगा 1093, 1097 एंड 1100। अगर ये डाउन साइड जाता है तो आपको सेल करना है 1052 से, टारगेट रहेगा 1048, 1044 एंड 1040। तीसरा जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है दोस्तों, वो है इंडिगो। इंडिगो आपको बाय करना है 946 पर, टारगेट रहेगा 950, 954, 958। इसी तरह से अगर ये डाउन साइड जाता है तो आपको सेल करना है 929 से, टारगेट रहेगा 926, 922, 918। तो दोस्तों, ये थे टॉप 3 स्टॉक कल फ्राइडे के लिए जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, जिसको आपको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। बस दोस्तों, आपको जो हमेशा कहता हूँ कि मैं जो है काफ़ी एनालाइज करके देता हूँ, तो आपको इसी लेवल पर एंट्री लेना है और आपको पहले से दूसरे कैंडल में जो आपका टारगेट देकर चला जाएगा। सो लास्ट में एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो मार्केट में बिगिनर्स हैं, जिनको पता नहीं होता कि मार्केट से किस तरह से अर्निंग करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई इन तीन स्टॉक के अलावा भी और ज़्यादा स्टॉक के लेवल मिले, तो मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़िए, जहाँ पर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नए नए स्टॉक के लेवल देता रहता हूँ, लेकिन सिर्फ मार्केट टाइमिंग में। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। थैंक यू।